रादौर से नव निर्वाचित भाजपा विधायक श्याम सिंह राणा ने आज नगरपालिका पार्क में स्थित महाराणा प्रताप व कंबोज धर्मशाला में शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। पत्रकारों से बातचीत में विधायक श्याम सिंह राणा ने कहा कि शहीदों में महापुरुषों की शहादत की बदौलत ही देश आजाद हुआ है और यहां लोकतंत्र की स्थापना हुई है, इसलिए जब भी प्रजातंत्र का समारोह हो तो ऐसे महापुरुषों को याद करना चाहिए। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में राणा ने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। देखिए, देश में डेमोक्रेसी की पहली लड़ाई लड़ने वाले शहीद उधम सिंह जी और महाराणा प्रताप ही रहे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। मैं तो कहूँगा भी पहला स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप और शहीद उधम सिंह जैसे देशभक्त हुए और उन्हीं की राह पे चल के देश के अनेक लाखों लोगों ने कुर्बानी दी और देश के अंदर डेमोक्रेसी स्थापित की, देश को आज़ाद कराया। तो इसलिए जब भी कभी प्रजातंत्र का समारोह उत्सव हो तो ऐसे महापुरुषों को याद करना, उनकी उस स्टैचू पे जाके श्रद्धांजलि देना, फूल चढ़ाना, ये हमारे लिए बड़ा एक मार्गदर्शन करने वाली बात है। जिन लोगों ने देश के जाति की लड़ाई लड़ी उनको याद करना चाहिए। देखिए, जनता नहीं है, ये मालिक है। मालिक के पास जन सेवकों ने जाके बैठना चाहिए, जो उनके अनुसार जो वो कहेंगे वो करना चाहिए। तो इससे संतुष्टि भी रहेगी और सरकार की और कैंडिडेट की जो एंटी कम्बेंसी है वो साथ साथ खत्म हो जाती है और विकास हमारे को रूंगा ही मिल जाता है। देखिए, उसकी सरकार का भी कोई संदेश नहीं आया। मैं समझता हूँ भाई, दशहरे से अच्छा कोई पर्व नहीं होता, उसी पे सब कुछ निपट जाना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। बाकी सरकार का निर्देश आएगा तो बात करें। देखिए, सीएम साहब का तो नेतृत्व में चुनाव लड़ाई है, उन्हीं के नेतृत्व में हम जीते हैं और अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हीं के ही विचार से हमारे नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उनकी जो पसंद थी आम देहात का साधारण आदमी अच्छा कार्यकर्ता को चुना, इसलिए हरियाणा में चुनाव में बड़ा लाभ हुआ।